मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई ब्लॉग लेकर के आए हूँ। एक्चुअली सुबह मेरा इतना जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है, इस वजह से मैं सुबह अच्छे से ब्लॉग भी नहीं बना सकती। और ऊपर से गौतम भी ऑफिस जाते हैं, कोई भी सो करके उठते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत होते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो आज गौतम थोड़ा सा देर से ऑफिस जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ा सा मैं वीडियो ही बना लूँ एकदम सुबह से। तो जस्ट अभी सो करके उठी हूँ, उसके बाद मैंने ब्रश कर ली है, अभी तक मैंने अपना पानी नहीं पी। तो मैं फटाफट से अभी घर को झाड़ू कर लगा रही हूँ, क्योंकि कुही जब उठ जाएंगे तब झाड़ू लगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होते हैं, वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं, और कभी तो झाड़ू के आगे से कचरे जो भी निकलते हैं ना वो सब भी हाथ से ले लेते हैं। तो इस वजह से अभी मैं फटाफट झाड़ू कर लिया है। तो झाड़ू करने के बाद थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान था मुझे रखने के लिए, तो वो सब भी मैंने रख ली है। और उसके बाद अभी मैं करूँगी अपना मॉर्निंग पानी पीने वाली हूँ, और पानी को गर्म करूँगी। और उससे पहले मैं थोड़ा सा राइस अभी चढ़ा दूँगी प्रेशर कुकर पे। वैसे तो मैंने खाना बना ली है फटाफट से, आज मैंने एक कड़ी बनाया है, तो गौतम खाना खा के जाएंगे। तो प्रेशर कुकर के अंदर मैंने एक छोटा सा टिफ़िन जो रखा है, वहाँ पे कुही का बॉयल्ड खिचड़ी मैंने दे दिया है। एक साथ दो बन जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरा मॉर्निंग का पानी अभी पीने का टाइम है, तो अभी मैं बैठकर मॉर्निंग का पानी पीऊँगी, उसके बाद शावर लूँगी। तो एक के बाद मैं जो भी कुछ करूँगी आप लोगों के साथ तो शेयर करते ही जाऊँगी। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए यहाँ पे कोई भी सो करके उठ गए हैं, और ये बदमाश उठ कर ही कैमरे को देखने लगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मम्मा फिर से कैमरा को लेकर ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो कुही को सोकर उठने के बाद थोड़ा सा पैम्परिंग की ज़रूरत होते हैं, और ज़्यादातर उसे मुझे ही लेना पड़ता है उठने के बाद। तो अभी जा रहे हैं पापा के सामने, तो अभी मैं जाऊंगी शावर लेने के लिए। और अभी 8 बज चुके हैं, काफ़ी देर भी हो गए हैं। उसके बाद कुही को भी खाना खिलाना है, खुद भी ब्रेकफास्ट करना है। तो चलिए अभी मैं गर्म पानी भी होने के लिए गीज़र ऑन कर दूँगी, और उसके बाद क्या करूँगी एक के बाद आप लोग देख जाएंगे ही। तो चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए कुही का बॉइल्ड खिचड़ी बनके तैयार है। अभी मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर पे पीस कर थोड़ा सा बटर देकर उसको खिला दूँगी। सुबह मैं कुही को बॉइल्ड खिचड़ी ही देती हूँ ज़्यादा, तो अभी उसको खिलाने का टाइम है। खिलाने के बाद कुही को मैं थोड़ी देर के लिए सुला दूँगी। आई होप कि कुही सो जाए, नहीं तो मुझे ब्रेकफास्ट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होते हैं। Thank you.
तो अभी टाइम है मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का और अभी बजने वाले हैं 10:05 है। सुबह 6:45 में ही उठ गई थी लेकिन अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, तो इस वजह से मेरा थोड़ा थोड़ा करके सर दर्द भी आ रही है। तो फटाफट से बना लेती हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में एकदम सिंपल बनाऊँगी। ये ब्रेड है ही पहले से, तो ब्रेड को मैं घी पे रोस्ट कर लूँगी और पता नहीं कोई कब सोकर उठ जाएंगे, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाकर खा लेती हूँ, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाते हैं। करना हुआ और कोई भी सो करके उठ गया है, तो हम दोनों अभी बैलकनी में आ गए थोड़ा सा धूप सेकने के लिए। एक्चुअली अभी विंटर्स का टाइम है, तो थोड़ा सा धूप के सामने ऐसे बैठना कोई को खेलने के लिए देना काफ़ी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा वार्मनेस भी स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। और जब बॉडी पे धूप पड़ते हैं ना, तब बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलैक्स मिलते हैं। तो अभी आ गए हूँ अंदर और आकर ही काम स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा बहुत जो काम है फटाफट से मैं कर लूँगी अभी। Thank you.
वाली हूँ ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज। तो हालत देखिए ड्रेसिंग टेबल का क्या हो रखे हैं। तो सामान जो है इतना मतलब मेस्ड अप हो रहे हैं, अगर यहाँ पे मुझे कुछ सुनना भी पड़ते हैं ना तब एक के बाद एक चीज़ें गिरने लगते हैं, और चीज़ें भी था बहुत सारा ज़्यादा हो रखा है, और सब कुछ मेरा ज़रूरत का ही सामान है। अभी कौन सी चीज़ मैं कहाँ रखूँ, तो अब सोचा कि अच्छे से ऑर्गेनाइज ही कर लूँ, और अगर कुछ चीज़ें एक्सपायरी हो गया है या फिर ख़त्म हो गया है वो मैं फेंक दूँ। तो इस वजह से मैंने आज ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो फटाफट से ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करूँगी और उसके बाद ही शायद लंच का प्रिपरेशन करूँगी। ड्रेसिंग टेबल पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है। काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि ड्रेसिंग को मैं थोड़ा सा ठीक करूं, इतना मैसी हो गया था। तो अभी अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी चलो ठीक है। और कुछ कुछ सामान था मुझे फेंकना, वो भी मैंने फेंक दिया है, और कुछ एक्सपायर्ड चीजें थी, कुछ खत्म हुआ चीजें थी, तो इसी तरह से चीजें को मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। सामने से देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्किन केयर और हेयर केयर का सामान है, नीचे में थोड़ा सा मेकअप है, और नीचे थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा चीज़ें हैं जो यहाँ पे रखा हुआ है। और मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो काफ़ी बड़ा है, और ये जो एक बड़ा सा विंडो है इसके पीछे भी काफ़ी सारा सामान है। वहाँ पे मैंने बहुत सारा ज्वेलरी वगैरह रखा है, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे भी ज्वेलरी रखा है। तो मेरे पास ज्वेलरी का कलेक्शन बहुत सारा है, कभी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ये सब भी। और यहाँ पे मेरा इयर रिंग्स है, जो सिंगल इयर रिंग्स मैं ख़रीदती हूँ यहाँ पे ही है। तो सामान काफ़ी सारा है, तो मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज जितना हो सके करके रखती हूँ। कभी कभार तो रखा भी नहीं जाते हैं। और मैं ज्वेलरी एक्चुअली बहुत सारा ख़रीदती हूँ, अपने ड्रेस के हिसाब से ज्वेलरी ख़रीदती हूँ। और ये जो है ये मेरा सबसे फेवरेट ज्वेलरी है, ये एसएमई ज्वेलरी है, काफ़ी प्रिटी सा है, मैंने लास्ट ईयर इसको ख़रीदा था। और अगर आप लोगों को मेरा जो ज्वेलरी कलेक्शन मेकअप कलेक्शन का वीडियो चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज कर लिया है, अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिल रही है। और ये जो दो स्टोरेज प्लेस है, ड्रॉर है, इस ड्रॉर पे रखती हूँ वेयर कपड़े, यहाँ पे रखती हूँ, और वहाँ पे मेरा घर का पहना हुआ कपड़े रहते हैं। और यहाँ पे एक छोटू सा ज्वेलरी बॉक्स है जहाँ पे मैंने और थोड़ा सा ज्वेलरी रखा है। और ये सब जो ज्वेलरी है ये मैं अच्छा मतलब फटाक से पहनने का, मतलब कहीं पे अगर जा रही हूँ मैं यहाँ से ही कुछ इयर रिंग्स वगैरह उठाकर पहन लेती हूँ। और यहाँ पे तो थोड़ा सा हैवी वाला है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक्चुअली मेरा जो हम लोग का ट्रेडिशनल ज्वेलरी है यहाँ पे मैं रखती हूँ। ये तो मैं आप लोगों के साथ ये सब बाद में कभी शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को इमीडिएट इसको देखना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो जस्ट अभी मैंने कुही के लिए एक कड़ी बनाया है, हम लोग के साथ मैंने नहीं बनाया है। उसके बाद किचन को पूरी तरह से ठीक कर ली है, बर्तन भी थोड़ा सा थे तो वो भी धो ली है, और अभी मैं कुही को लंच करा दूँगी, उसके बाद सुला दूँगी, क्योंकि उस टाइम पे कुही अच्छे से नहीं सो पाई। तो अभी मैंने कुही को सुला दी है, अभी मैं करने वाली हूँ लंच। अभी मेरा जो एक कड़ी है वो गर्म हो रहे हैं।
ये रहे मेरा लंच। और तो लंच करने के बाद थोड़ी देर जाऊंगी सोने के लिए, थोड़ा सा नैप की ज़रूरत होते हैं आजकल आफ्टरनून टाइम पे, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ और दिन भर इतना भाग दौड़ कोई के साथ और वैसे भी घर का काम भी करना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ और थोड़ी देर सोना भी मन करते हैं, तो इस वजह से अभी थोड़ी देर सोऊंगी। और वैसे भी आज कुछ काम भी नहीं है मेरा एक्स्ट्रा जो मैं करूँ वही सोने के टाइम पे, तो अभी लंच करूँगी उसके बाद बेटे खींच लूँगी क्योंकि इवनिंग भी जल्दी होते हैं, अभी विंटर्स का टाइम है। तो चलिए गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कॉमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इस तरीके के नई नई वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। टेक केयर एंड बाय।